हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बता दिया करिए। आई नो आप लोग पता नहीं क्यों देखते नहीं हैं, अगर देखते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताया करिए। मैंने दिन की शुरुआत कर दी है, जस्ट मैं अब रेडी होके जा रही हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाना है अपनी आई टेस्ट कराने, क्योंकि दो दिन से मेरी आई बॉल में बहुत ज़्यादा पेन है। तो रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरे शायद चश्मे का नंबर बढ़ गया हो, क्योंकि चश्मा मैं लगाती नहीं हूँ रेगुलर में। तो जा रही हूँ आई टेस्ट के लिए, देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास पहुँच गई हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं अभी गई थी, जस्ट अभी घर पे आई हूँ। मैं बिना नहाए धोए गई थी, अब जा रही हूँ नहाने। मैंने कपड़े निकाल लिए क्योंकि आज है सैटरडे, तो मेरे को सैटरडे क्या पूजा तो मैं वैसे भी रोज करती हूँ। तो मैं सैटरडे मंगल तो मतलब ट्यूजडे और सैटरडे तो बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ अपनी पूजा। मुझे बहुत और दिन तो चलता है लेकिन दूसरे दिन नहीं, तो मैं जाती हूँ जल्दी से नहा कर पूजा करके आपसे मिलती हूँ। सारे रामचंद्र के घास सवारे लाए सजीवन मुझियारे शीरो पीर की गोद बनाई तुम पीर सहज बदल तुम्हारी यस गावे। सो गाइस, मैं किचन में हूँ। मैंने जस्ट सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पराठे मैंने गरम गरम बना लिए, सब्जी कुछ ऐसी बननी थी जो कि बाद में बनाऊंगी गरम गरम, तो बेटर रहेगा। तो जस्ट मैंने अभी आलू बॉईल किए हैं, उसी को छील रही हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ जो आलू का कच्चा वाला भरता बनता है ना, जो जैसे बैंगन का कच्चा भरता बनता है बाटी चोखा के साथ, वैसे एक आलू का बनता है अगर आपने खाया हो तो, जिसमें कच्चे प्याज टमाटर लहसुन मिर्चा सब पड़ता है। तो वही बना रही हूँ क्योंकि पापा जी की डिमांड है आज, पापा ने बोला वो बनाओ, बहुत दिन भी हो गए थे खाए हुए हमें। सोचा ठीक है, इजी भी है और टेस्टी तो बहुत ही लगता है। तो जस्ट मैं आलू छील ही रही हूँ। आलू छीलने के बाद मैं कैसे बनाऊँगी अगर बनने के बाद आपको बताऊँगी, शक्ल दिखाऊँगी उसकी, जिसमें आप कच्चा सरसों का तेल भी डालें, बहुत टेस्टी बनता है। तो वेट करिए, मिलती हूँ आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के बाद। गाइस, आज डिनर में बनाया है मैंने आलू का भरता, जो कच्चा वाला पड़ता है ना, सब कुछ कच्चा पड़ के वाला भरता है, जो से बैंगन का भी बनता है ऐसे ही आलू का बनता है। कभी ट्राई नहीं किया हो तो ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। मैंने अपने लिए पराठे बनाए हैं और लोगों के लिए मैंने अपने लिए रोटी बनाई है और लोगों के लिए पराठे बनाए हैं, क्योंकि इसके साथ पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। बट मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ पराठे खाना, इसलिए मेरे लिए रोटी है। अगर आपको ये देखना है कि ये कैसे बना है, तो इसकी शॉर्ट रील आने वाली है आज या कल में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, डिनर मैंने कर लिया था, आपको दिखाया भी है, और वो चोखा जो है बहुत टेस्टी बना है। तो मैंने डिनर कर लिया है, बज रहा है अब, अभी 9 बजे है। डिनर मैंने 8:30 बजे किया था। तो अब जा रही हूँ, बस टीवी देखूँगी, कुछ व्लॉग्स देखूँगी, व्लॉग की एडिटिंग मारूँगी, शॉर्ट्स वीडियो बनाई है वो चोखे वाली, उसको एडिटिंग मारूँगी, यही सब करती हूँ मैं शाम को। देन हस्बैंड 11 बजे तक आ जाएंगे। तो मिलती हूँ आपको कल के न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड लाइक माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।